हाँ भाई, क्या लगेगा बता दो। हाँ छुट्टी गाड़ी यार, एक अब वो रीमा देख रहे हैं, उनको जानकारी आई थी, उनको पास कर दिया हमारे यहाँ नहीं किराया जाएगा, अंदर का शॉट भी मंगी लेगा तुमको, शॉट भी मंगी लेगा। अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। केंद्र प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर अब मूर्त रूप लेने लगा है। मंदिरों को भी सामने आने के लिए सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, क्योंकि ध्वस्तीकरण का काम जब से शुरू हुआ है तब से काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर का एरिया है उसके रास्ते में कई मंदिर सामने आए हैं। आप हमारे सामने एक ये मंदिर भी देख सकते हैं जो जीता जागता उदाहरण है। अपने आप में अद्भुत कला का ये नमूना है यह मंदिर। घर के अंदर पूरी तरह से यह कवर था, लेकिन अब जब कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, मकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो अब कई ऐसे पुरातन मंदिर सामने आ रहे हैं। काले पत्थर पर जिस तरह से ये नक्काशी की गई है वो अपने आप में अद्भुत है। देखिए, काशी जो वाराणसी ओल्डर देन हिस्ट्री ओल्डर देन कल्चर था, तो बनारस की जो प्राचीन मंदिर, जो काशी 5000 मंदिरों मंदिरों का शहर कहा जाता था, वो मंदिर कहीं ना कहीं केवल काशी विश्वनाथ संकट मोचन तक ही सीमित हो गए थे। वो पुराने मंदिर का एक इतिहास और एक वास्तुकला सब छिप चुकी थी। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कि काशी के जो असली स्वरूप को आपने लाया। और चूँकि कुछ बड़ी योजनाएँ चलती हैं तो कष्ट भी होता है, तो इसमें जिनके साथ जो प्रभावित हो रहे हैं उनको उचित मुआवजा मिला जाए, ये भी मेरा कहना है। और मंदिर जो ध्वस्तीकरण में जो निकल रहे हैं उसको सुरक्षित कैसे किया जाए, एक एक पत्थर ये इतिहास बताता है, पुरातत्व बताता है, उसको सुरक्षित किया जाए। अब तक लगभग 145 मकानों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, इनका ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर से कॉरिडोर अब मूर्त रूप लेने लगेगा, क्योंकि सरकार जो केंद्र सरकार है वो अब ख़त्म होने वाली है। 2019 का चुनाव नज़दीक है और 2019 चुनाव से पहले विश्वनाथ कॉरिडोर का जो फर्स्ट फेज है उसको शुरू करने की पूरी कवायद चल रही है, ताकि लोगों के सामने कॉरिडोर का एक स्वरूप आ सके। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी। को नहीं, पहली बार किसी आर्किटेक्ट को काम दिया गया है। इसके पहले हम लोग विभिन्न स्तरों पर और जनता के साथ, यहाँ के निवासी, स्थानीय निवासियों से और आध्यात्मिक जो गुरु लोग हैं उनसे और सभी से, सभी स्तरों पर हम लोग ये वार्ता करके ये तय करने की कोशिश करते रहते थे कि इस पुराने और पौराणिक स्थल का स्वरूप क्या होना चाहिए। और इसमें हमें माननीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिलता था, उनसे भी हम वार्ता करते थे कि उनके दिमाग में या उनके विचार में क्या कंसेप्ट है। इन सब के आधार पर हम लोगों ने एक RFP किया, बनाई, और जिसको ग्लोबल टेंडर इसका किया गया। और ग्लोबल टेंडर के बाद अंत में चयनित कंपनी जो है उसके द्वारा जो रूपरेखा प्रदर्शन में दिखाई गई हमारे यहाँ पर, वो चीज़ सभी समिति के जो सदस्य थे उनको पसंद आई। और जो उनके साथ उनके सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ को हमने अब मूर्त रूप दे रहे हैं, उनको हम जल्दी ही उनके साथ वर्क ऑर्डर साइन करेंगे।